प्रशांत पटेल जी, नवशिकों ने शुरुआत में जो बात कही, उनने कहा भाई राम भी हैं, मुकद्दर भी है, पार्टी भी काम कर रही है और सरकार भी काम कर रही है। बोले अब क्या है, अब तो यही है कि भैया 80-80 जीत लो, क्योंकि इधर विपक्ष में तो जो थोड़ी बहुत संभावना बनती है, 10-15 दिन की संभावना पकती है, फिर कोई खड़ा होता है और पूरी पतीली ला के उलट देता है चौराहे पे, फिर दोबारा चूल्हा जलाओ, पानी गर्म करो। प्रधान जी जी, अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। देखिए, हम लोग जब ये इंडिया अलायंस की जब से बात हुई, जब इनकी पहली बैठक हुई, तब से हम कह रहे हैं कि ये अलायंस जो है प्रैक्टिकली संभव नहीं, क्योंकि ये बेमेल गठबंधन है। सब जो है, जो कांग्रेस के अलावा जितनी भी पार्टियां, उनका प्रादुर्भाव कहीं कहीं कांग्रेस विरोध के आधार पर ही इन सारी पार्टियों का जन्म हुआ है, और उनका वोट बैंक भी कहीं ना कहीं सब पार्टियों का एक ही है। तो अगर साथ लड़ते हैं तो कहीं एक दूसरे को वोट को ही काटेंगे। ना तो कांग्रेस उनको बहुत अधिक छूट दे सकती है, ना क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस को अपने जहां जिन जिन राज्यों में मजबूत है उनको बहुत स्पेस दे सकती है। तो अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, 3 राज्यों में जहां गठबंधन के प्रयास किए गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वो हमने देख लिया कि कहीं कोई गठबंधन की बात नहीं हुई। और मुझे तो समझ नहीं आता कि 3-4 बैठकें इंडिया अलायंस की हो चुकी हैं, क्या उसका कहीं कोई आउटकम निकला? ये लोग स्वयं अपनी बात करते हैं। पहले एक इन्होंने रेजोल्यूशन निकाला कि फला फला 11 एंकर का बहिष्कार करेंगे, उसके बाद इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता उनकी डिबेट से बैठने लगे, इनके मुख्यमंत्री उन्हीं एंकर को इंटरव्यू देने लगे। फिर उसके बाद बात हुई कि हम 3 दिसंबर के बाद हम सीट शेयरिंग कर लेंगे 31 दिसंबर तक। आज 8 तारीख हो गई, 8 जनवरी हो गई, तो मैं स्वयं इसमें आश्चर्यचकित हूँ कि आज तक 4 बैठकें हुई, कोई बता दे कि उसका आउटकम आकर के क्या निकला है। आज की डेट में भी धरातल पर कहीं कोई अलायंस नाम की तो चीज है नहीं भाई। बातें भले हो जाए, बैठक हो जाए, अब वहां पर जाते हैं अमिताभ जी, मतलब हास्यास्पद बात है कि वहां जाके कहते भी इस बार चाय खाली मिली, समोसा नहीं मिला। तो जब अलायंस पार्टनर्स का खाली इतना उद्देश्य है कि वहाँ चाय नहीं मिल रही, समोसा नहीं मिल रहा है, समोसा भी मिलना चाहिए, तो बैठक का मुझे लगता है इतना ही आउटकम आ रहा है कि समोसा मिल रही है, चाय मिल रहा है, आगे उस पर धरातल पे क्या बात होनी है वो उस तरह की कहीं कोई बात नहीं। जहां तक बात है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो वो तो दोनों देखिए बेमेल पार्टियां हैं, और दोनों का जो स्थापना से लेके उनका दोनों का विरोध रहा है, दूसरे की दुश्मनी जैसी स्थिति रही है। 19 में भी गठबंधन हुआ लेकिन समाजवादी पार्टी को बसपा को वोट बैंक ट्रांसफर नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी 5 में से 5 सीटों पर रही, बसपा अवश्य 0 से 10 सीटों पर पहुंच गई, और बसपा का जो कोर वोटर कहीं क्या उसका नीचे से उनका जो संघर्ष समाजवादी पार्टी के कोर वोटर से कार्यकर्ताओं से रहा है, और वो चीज 19 के चुनाव में भी दिखी। अच्छा प्रशांत जी, एक सवाल मेरे मन में खड़ा हो रहा है, अचानक से भाजपा ने भी देखा कि भाई हर स्वाभाविक है, जो भी प्रतिस्पर्धी पार्टी है वो निगाह खोल के रखती, काला चश्मा लगा थोड़े राजनीति करता, कोई बेल्डिंग वाला चश्मा लगा के दिखे नहीं। उसने कहा मामला गर्म है, उन्होंने तुरंत कहा कि बहन जी की सुरक्षा सर्वोपरि है, केशव प्रसाद जी ने कहा हम लोग बिल्कुल देख रहे हैं, बड़ी नेता है, बड़ी पार्टी है और उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि वो जो पुल है वो ही डिसमेंटल हो जाए तो बहन जी गदगद, उनको क्या चाहिए? बाकी सीटें तो ऐसे भी नहीं जीतनी, वैसे भी नहीं जीतनी, नहीं तो आप और थोड़ा सा होलिका दहन कर दो, बोले आप फूंक दो ताकि लपट और तेज जाए, या बहन जी ने कहा भाई दूसरा ऑफिस दे दो कोई बढ़िया। देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी है आज के समय में, और मैं समझता हूँ कि अगर मायावती जी गंभीर बातें करती, मैंने नहीं सुना कि उन्होंने कोई इस तरह की हास्यास्पद बातें कभी की हो, जब भी बातें करती गंभीर बातें करती है, अगर उन्होंने सुरक्षा कंसर्न उठाया तो निश्चित तौर पर उप मुख्यमंत्री जी ने बात समझी है, उसको उसको कंसर्न को देखेंगे, अगर उचित लगेगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे, सरकार उस विषय को देखेगी, उन्होंने जो विषय उठाया है। मैं समझ गया, अब मेरी भविष्यवाणी लिख लो नवेद जी, लोकसभा चुनाव से पहले लखनऊ का सबसे भव्यतम स्थान जो होगा वो बसपा को कार्यालय के लिए मिल जाएगा। क्या जब शिवपाल चाचा को इतना बड़ी कोठी मिल गई मायावती वाली, क्या वो तो बाद में शिवपाल जी ने वचन पूरा नहीं किया तो फिर उन्होंने छीन ली, बोले है जो कह के आए थे सुख को किया नहीं, कहे थे कि जलेबी छानेंगे, जलेबी छानी नहीं, गुलगुले बना दिए, हटाओ चलो। लेकिन ऐसा मेरा मन कह रहा है कि बहन जी को बढ़िया स्थान मिलने वाला, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल बात करता हूं नवेद जी को। और दूसरी बात आपसे, दूसरा सवाल ये था कौन किसका सुपारी किलर, और तीसरा सवाल तीनों के खटाखट उत्तर दे देना, कांग्रेस में अविनाश पांडे ने कहा कि भाई हम और अजय राय और प्रमोद तिवारी और पन्नालाल पूनिया सब लोग जाके 15 तारीख को 9:15 पर मकर में सूर्य आएंगे और 9:16 पे हम कपड़े उतार के सरयू में कूद जाएंगे, क्या
और नहाने के बाद दौड़ के हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी के बाद रामलला। मैं समझ रहा हूँ कि अश्विन अविनाश पांडे और सरू अजय राय के नहाने से मसला हल नहीं होगा। राहुल गांधी कूदे 9-15 पर सरयू में और फिर त्रिपुंड लगाए और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हनुमानगढ़ी से रामलला को जाए, ये हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो शायद कुछ मामला बने। नवेशिको जी बिल्कुल, देखिए आपने जो पहला सवाल किया था ये बिल्कुल बात सही है कि मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पे 10 बार कहा कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का दूसरा रूप है, वो भी टीम है, लगातार उन्होंने बयान दिया चुनावी सभा में कहा। उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने बसपा को कहा कि वो भी टीम है और बसपा ने आज कह दिया कि समाजवादी पार्टी जो है वो भाजपा के लिए काम करती है और प्रमाण भी दिए, उन्होंने 2-3 के आशीर्वाद दिया था। उसके बाद जो रिश्ता बना हुआ नजर आता है वह योगी जी से अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जी ही लगातार मिलने गए, हम तो नहीं गए, उन्होंने कुछ इस तरह की बातें कही। तो यानी एक दूसरे को भाजपा की ताकत बता रहे हैं और लड़ नहीं रहे हैं, इसको थोड़ी सी हल्की जबान में कह सकते हैं एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं, लगातार एक सर्किल बना हुआ है और एक दूसरे को काटने जी। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बहुत ही खतरनाक है इंडिया गठबंधन के लिए। दूसरी बात यह कि अभी मेजर चतुर्वेदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मैं इस बात से सहमत हूं कि कम से कम राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं और उनको इस बात की ताकीद करना चाहिए, इस बात के लिए एक अनुशासन पैदा करना चाहिए कि उनके नेता जो समझ में आ रहा है कह रहे हैं और वो यात्राओं में और टी शर्ट पहन के वो जाड़े में दौड़ने की तैयारी करें, बहुत अच्छी बात है, यात्रा करना अच्छी बात है, लेकिन मौका इस बात ऐसा होता आदमी चुप इज्जत बचाए बैठा होता है, आप लोग उसकी इज्जत, मान लो राहुल गांधी ताकीद कर दें और फिर आदमी नहीं माने तो क्या कर लेंगे, ताकीद उसकी मानी जाती है जो इंदिरा गांधी है, सुन लो भैया, जो इंदिरा गांधी हो नरेंद्र मोदी हो, क्या राहुल गांधी ताकीद नहीं हम करें पूरी चिट्ठी लिख के भेज दे, क्या फिर क्या बिगाड़ लेंगे, नवजोत सिद्धू क्या बिगाड़ लिया, वहां सचिन पायलट भी ताल ठोकते रहे, गहलोत भी, दोनों ने सरकार गंवा दी, राहुल गांधी की नहीं मानी, भूपेश बघेल और सिंहदेव ने सरकार गंवा दी लेकिन राहुल गांधी की नहीं मानी, तो राहुल गांधी मान लीजिए ताकीद कर भी दे, छत पे खड़े होकर ताकीद कर दे तो क्या होगा, ये पुरानी खबर मानेंगे उनकी बात, कांग्रेस में कमांड में कुछ नहीं है, कुछ भी हाथ में नहीं है राहुल गांधी की, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यही बात समाज, ये मेजर चतुर्वेदी नहीं कह सकते ये बात, क्योंकि यही बात तो अखिलेश यादव के साथ लागू हो रही है, अखिलेश यादव बेलगाम है, उनके लोग वो राहुल गांधी को, अखिलेश यादव के प्रवक्ता कहते हैं राहुल गांधी मंद बुद्धि है, कहां संभाल पाए अखिलेश यादव, अखिलेश यादव के एक प्रभावशाली मौर्य जी कहते हैं जब पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में राममय माहौल है, हिंदुत्व का झंडा पूरे तरीके से पूरा लहरा रहा है, ऐसे में वो हिंदुत्व के सामने और राम जी के नाम सामने सवाल उठाते हैं, तो राहुल गांधी जिस तरह से बेचारे हैं उसी तरह से बेचारे राहुल अखिलेश यादव है, क्योंकि वो अपने मौर्य को नहीं संभाल पा रहे, फखरुल हसन को नहीं संभाल पा रहे, जो छोटे प्रवक्ता है वो कह रहे हैं हम 80 सीटों पर लड़ेंगे, तो साहब आप कैसे कह सकते हो वो बेचारे हैं तो आपके नेता में तो बेचारे हैं, और चारों तरफ से इस तरह के बाड़े चल रहे हैं। मेन चीज यह है कि जो एक उम्मीद थी कि जब सब मिल जाएंगे और एक आशा थी 15-14 तारीख को बहन जी भी आ जाएंगी, तो कहा जा रहा था कि सब लोग मिलके भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अब यह तय हो गया है कि गठबंधन में या तो सपा नहीं रहेगी बसपा नहीं रहेगी, ऐसे में मैं बार बार कह रहा हूं कि तीसरी ताकत अगर अलग हो गई वो भाजपा के लिए फायदेमंद होगी, और बसपा फायदामंद इसलिए साबित होगी क्योंकि वो कहीं बाहर से अगर लड़ती है तो मुझे नहीं लगता है कि गठबंधन भाजपा से मुकाबला। आज मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा 5 सेकंड में, मैं पुराने लखनऊ के हुसैनाबाद में बैठा था, उसमें करीब 7-8 जो साथी बैठे थे उसमें सब मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि भाई साहब हम लोग उम्मीद तो करते हैं कि भाजपा को टक्कर गठबंधन दे दे, लेकिन ये तू मैं हर समय कर रहे हैं, ये लड़ नहीं पाएंगे जिस तरीके से आपस में एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं, तो भैया हम लोग क्यों अछूत बने रहे भारतीय जनता पार्टी के, हम लोग भाजपा को वोट दे देंगे, जब आप आपस में सामंजस्य कांग्रेस समाजवादी पार्टी बसपा आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं कि भाजपा को जिताने की मोहर लगा रहे हैं बार बार कि भाजपा जीतेगी भाजपा जीतेगी भाजपा जीतेगी, तो हम आपको वोट क्यों दें, हम वोट दे देते हैं, हमें पूरे 5 साल तक डर लगता है कि कहीं बुलडोजर ना आ जाए। नवीन भाई लेकिन अब वो इसीलिए ठीक, अब वो शायद इस अपने लिए सौभाग्य मांगने के लिए ही कांग्रेस वालों ने कहा कि हम 9:15 को 9:15 में सरयू कूद जाएंगे कपड़े उतार के, अब देखो क्या होता है, गुप्तार घाट पर कूदते हैं कहाँ कूदते हैं, तो वो तो देखना पड़ेगा क्या स्थिति बनती है।
कि राहुल गांधी जी को जाना चाहिए, मुझे लगता है इसमें कोई इतराज नहीं। आपने बिल्कुल कहा कि किसी छोटे नेता से काम नहीं चलेगा, और राहुल गांधी जी की वो विरासत है, इस बात में कोई शक नहीं कि कांग्रेस के कई नेता ये बात कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो उद्घाटन होने जा रहा है, ये शुभ अवसर जो आया उसमें कांग्रेस का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जाहिर सी बात है, ताला खुलने से ये सिलसिला शुरू हुआ था और ये उसको श्रेय जाता है। तो अगर श्रेय उनके पिताजी ने ये मौका दिया है तो उनको जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि कोई उससे नुकसान भी नहीं होगा। जरूर कहीं ना कहीं मेजोरिटी वोटर जो है उनके करीब आ सकते हैं, मुझे लगता है वो हिम्मत उनको दिखाना चाहिए, अखिलेश यादव जी को भी दिखाना चाहिए, और बिल्कुल भी जो पूरे देश में माहौल है, जो उत्तर प्रदेश में माहौल है, और उनको अगर ये लगता है कि उनसे माइनॉरिटी वोट कट जाएगा तो माइनॉरिटी वोट से कहां दो सीटें नहीं निकल पाती है, पूरे देश ने 9 साल में देख लिया है। जिनकी जो लपक रहे हैं वो हिंदू वोटर्स के साथ में, तो उन सबको जाना चाहिए मुझे लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि छोटा नेता जाए तो जाए, वो तो ऑडियंस के तो उसको तो शायद मौका भी नहीं मिलेगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं या राहुल गांधी जैसे कद्दावर नेता जाते हैं अगर राम मंदिर, तो मुझे लगता है अच्छा संदेश जाएगा। जी ठीक बात। नकवी साहब, कई बार वोटर के मन में सवाल होता है, हम हो सकता है थोड़ा वोटर से ज़्यादा राजनीतिक लोगों के नज़दीक रहते हैं तो ज़्यादा उठापटक नज़दीक, लेकिन जो वोटर समझ रहा है वो अक्सर पूछता है, जैसे नावेद भाई ने कहा वैसे ही मैं कहता हूँ कि पूछता है भैया ये लड़ना भी चाहते हैं क्या, ये झुट्टे मुट्ठ खेल कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा हो गया यूपी में नीचे कि कांग्रेसी बसपाई सपाई लड़ना भी चाहते हैं भाजपा से कि नहीं, जनता ये पूछ रही है। और उस जब पूछो कि ऐसा क्यों कह रहे हो तो वो 10 उदाहरण दे देते हैं, उदाहरण अकाट्य होते हैं। क्या वो कहते हैं एक दूसरे का कपार फोड़ रहे हैं और आप कह रहे हो कि ये सब मिलके लड़ रहे हैं। अब इसका उत्तर मेरे पास नहीं होता है। वो 10 क्लिंचिंग एविडेंस रखते हैं कम पढ़े लिखे लोग भी। क्या क्या अखिलेश ये बोले, राहुल ये बोले, मायावती ये बोली, और उनके यहां ऐसे, उनके यहां ऐसे, उनके यहां ऐसे, बोले कैसे निपटेगी बात। नकवी साहब जी, अमिताभ भाई ये इत्तेफाक है अपना अपना। हमसे जिन लोगों की भेंट होती है वो ये कहते हैं कि जब राजभर और योगी साथ में आ सकते हैं तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं साथ में आ सकते जी। वो राजभर जिन्होंने योगी जी को भर भर गालियां दी थी और आज देखिए उनके साथ है। जब संजय निषाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, और संजय निषाद जिन्होंने रामचंद्र जी के लिए क्या नहीं कहा ये हम और आप सब जानते हैं, इसको दोबारा नहीं कहना चाहिए, और वो साथ में आ सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो आप लोगों में तो इतना मतभेद भी नहीं है, तो इसलिए आप लोग साथ में आ जाएंगे, फिक्र मत कीजिए। थोड़ा सा है, नया जूता है, काटेगा, लेकिन धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। तो ये तो अमिताभ भाई आप किससे मिलते हैं, किस लोग, किन लोगों से बात करते हैं, ये इसके ऊपर निर्भर करता है कौन किस चीज को कैसे देखती है, पहली बात। दूसरी बात रही बात ये कि राहुल गांधी जी को वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये भी अमिताभ भाई अपना अपना नजरिया है। अगर इसको वोट बैंक के नजरिए से देखा जाए कि वोट बैंक के ऊपर इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो हम इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि राहुल जी के जाने से किसी प्रकार का कोई भी वोटर नाराज हो जाएगा इस बात से कि राहुल जी क्यों गए। नहीं, कोई नाराज नहीं होगा, क्योंकि वो एक अपने आप में चीज स्थापित हो गई है कि वो राम मंदिर है, कानूनन स्थापित हुई है, सुप्रीम कोर्ट से जो है वो एक मिला है, न्याय मिला है, और उस न्याय के द्वारा स्थापित हुई है, और जो अल्पसंख्यक लोग लड़ रहे थे उन्होंने भी बिल्कुल खामोशी से उसको स्वीकार किया, और करना भी चाहिए था। जब आप कोर्ट चले गए, आपने कहा कि नहीं आप पंचायत कर दीजिए, आप जो कहेंगे वो मानेंगे, वो आ गया ना फैसला और मान लिया गया, और खुशी खुशी जो है वो चीजें बढ़ रही हैं। तो ये सोचना कि आज की तारीख में अगर राहुल जी जो है वो मंदिर चले जाएंगे तो उसकी वजह से कोई वोटर उनकी तरफ आ जाएगा, या अगर नहीं जाएंगे तो उसकी वजह से कोई वोटर उनसे नाराज हो जाएगा, तो भारत की राजनीति जो है वो किसी एक मुद्दे पे चलती है, ऐसा ना हम मानते हैं और ना ही कोई भी वो व्यक्ति जो राजनीति को जानता है वो जानता है। इसलिए क्योंकि अगर सिर्फ एक मुद्दे पे चलती होती तो 90 से लेकर के 2004 तक की 14 साल लग गए भारतीय जनता पार्टी को, और 14 साल में उनको कभी कोई सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उनके पास एक मुद्दा था, आज उनके पास मुद्दे ज्यादा है, आज वो काम कर जिस तरह से कर रहे हैं, जनता के पास जा रहे हैं, दिखा रहे हैं सही गलत सच झूठ, ये तो देखिए हम और आप कह सकते हैं, जनता जिसको क्या देखती है वो। ठीक है, तो हिलाल भाई मतलब हम संकेत ये माने, एक मिनट, ठीक है आगे बात, मैं संकेत ये मानूं कि 7 के 15 तारीख को 9:30 बजे का जो टाइम अविनाश पांडे ने दिया है, और उन्होंने कहा हम अजय राय और प्रमोद तिवारी और पीएल पुनिया, ये 4 नाम उन्होंने लिए, लल्लू सिंह का भी लेना चाहिए था, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया लेकिन उन्होंने नहीं लिया। खैर, तो हम माने उसमें राहुल गांधी अगुवाई करेंगे और 9:30 बजे छप से सरयू में।
या नहीं कह रहे हम अमिताभ भाई ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा ठीक है, तब ठीक पूरी तरह से। हाँ ये मौसम पर निर्भर करेगा, तबीयत कैसी है वो उनकी अपनी धार्मिक आस्था है, कितनी ठंड है, क्या स्थिति पर से वहां जा रहे हैं और जहां जाने का हर एक को अधिकार है। इसके लिए बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक हिलाल भाई, ठीक बिल्कुल 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 मनोहर जोशी जी बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। और नहीं हमको जो है किसी शंकराचार्य जी से परमिशन लेनी हो ना मोदी जी से परमिशन, बिल्कुल ठीक भैया बिल्कुल ठीक। बिना परमिशन तो पांडे ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग जाएंगे और 6 से 9:30 बजे कूद पड़ेंगे सरयू में, बाद में जो होगा देखा जाएगा। हिलाल नकवी जी ने एक बात कही, कई बार हम लोग बेमेल तुलना कर देते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता, फिर मुझे उस तुलना को ठीक करने के लिए कड़वा बोलना पड़ता है, उससे कुछ मित्र नाराज हो जाते हैं, लेकिन हम नकवी साहब भाई जैसे बुद्धिमान लोग मुझे फंसा देते हैं और मैं इस व्यासपीठ पर बैठ कर ना बोलूँ तो ये मेरे बस ये मेरे लिए संभव नहीं। उन्होंने तुलना की अखिलेश यादव और मायावती, दो चेहरे हैं, दो पार्टियां हैं, आपके पास आऊंगा भैया कर्नल साहब, और उन्होंने कहा ऐसे ही भाजपा के पास राजभर और क्या नाम दूसरा संजय निषाद। मुझसे क्यों बुलवाते हो फिर राजभर और संजय निषाद और अखिलेश यादव और मायावती बराबर हैं, गजब करते हो यार, किस स्कूल की बात कर रहे हो। उनको एक सीट दे दे वो चू नहीं कर सकते, दो दे दे तो चू नहीं कर सकते, और कहें कोई चीज सीट नहीं मिलेगी चुप बैठो तो चुप बैठेंगे। हमसे पूछो, आप अखिलेश यादव को डिक्टेट कर सकते हैं? यूपी में अखिलेश यादव आपको डिक्टेट करेंगे, लिख के रख लो, चाहे खड़गे हो चाहे राहुल गांधी हो। उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन होना है तो अखिलेश यादव की ही शर्तों पर होगा, ठीक। क्या राजभर ये क्लेम कर सकते हैं? क्या निषाद ये क्लेम कर सकते हैं? क्या आशीष पटेल ये क्लेम कर सकते हैं? नहीं ना, ये तुलना ही बेमानी है यार, ये कौन सी तुलना है, कोई मतलब है? द्वारे द्वारे ढोल रहे भैया कुछ दे दो हमको, गजक ना सही रेवड़ी दे दो कुछ तो लाओ, है कौन रंगबाजी कर रहा है, कौन मुंह छेट रहा है? लेकिन मायावती से वैसा हो सकता है क्या? मायावती ने बात कहां से शुरू कराई, मलूक नागर से क्या कहलवाया? उन्होंने कहा कांग्रेस माफी मांगे दोनों हाथ जोड़ के पुराने पापों की, जो बसपा के साथ उसने गलतियां की, और फिर आदर के साथ बहन जी बहन कुमारी मायावती जी को भारत के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे तो संभवतः बड़े मन दिखाते हुए बहन जी इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। ये क्या नाम उनका ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद तो बोल नहीं सकते ना कि हमको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करो, वो तो इतने में संतुष्ट है एमएलसी मिल जाए ना दे तो भी ठीक है, चलो बने हैं हम भी एक कोने में बैठे हैं ठीक है ठंडे में। इसलिए ऐसी तुलना ठीक नहीं, ये तुलना मायावती और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं का अपमान हो जाता मित्र, वो बड़े नेता हैं, 4 बार मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहे, आप संजय निषाद बता रहे, क्या राय संजय निषाद, कौन है संजय निषाद? आप गलत बात कर रहे हैं नकवी साहब, मायावती का एक दौर मैंने देखा जिसके माथे तिलक लगा दिया वो एमपी हो गया, और जिससे जिसको आशीर्वाद दे दिया वो एमएलए हो गया 15 दिन में। नावेद गलत बोल रहा हूं क्या? 15 दिन में लोग एमपी और एमएलए बना दिए मायावती ने, आप बता रहे हो राजभर और निषाद, कोई मतलब है यार? ऐसा भी नहीं करो, ये तुलना ठीक नहीं।